नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं सिरसा जिले के नाथूसरी कला में मौजूद हूं और आपको बता दें कि कल समाज सेवी कैप्टन मीनू बेनीवाल जी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाने के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हो सफाई अभियान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। जेसीबी लगाई गई है, बहुत सारे ट्रैक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और नाथूसरी कला से लेकर के शक्कर मंदोरी तक जो मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है उसमें जो यहाँ पर जो भाग लेने वाले जो युवा है उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसके लिए बाकायदा सफाई अभियान बड़े जोरों शोरों के साथ चल रहा है। जमाल के सरपंच नंदलाल बेनीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार मीनू बेनीवाल जी का जन्मदिन जो है कल जो है मनाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कल हजारों की तादाद में यहाँ युवा जो है उमड़ने वाला है, इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे बीच में जमाल के सरपंच नंदलाल जी बेनीवाल है, उनसे हम बातचीत करते हैं। हाँ जी नंदलाल जी। हाँ जी। हाँ जी नंदलाल जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? कल कप्तान साहब का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कप्तान साहब का जन्मदिन पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा जी, और इसमें हजारों बच्चे मैराथन दौड़ में भाग लेंगे जी, और ऐसा समाज सेवी हमने आज तक नहीं देखा जी, और जो इलाके के लोगों की युवा लोगों की जो इच्छा होती है हाँ जी, उस इच्छा के अनुरूप वो कार्य करते हैं जी, और हमें बहुत हौसला है इस बात का जी, कि हमारे बड़े भाई मीनू बेनीवाल जी का जन्मदिन है और पूरी तैयारियों से लगे हुए हैं। नंदलाल जी, एकदम से इस क्षेत्र में विकास का पहिया है वो तेजी के साथ घूमने लगे हैं। तो नेता तो यहाँ बहुत आए हैं जी, बहुत गए हैं हाँ जी, तो मात्र दिखावा होता है जी, वोट ले लेते हैं उसके बाद अपना रास्ता नापते हैं जी। इस आदमी ने समाज सेवी होने के नाते ना कहीं वोट, ना कोई वोट की डिमांड करनी, ना कोई बात, और जो राजनीति की बात करता है उसको कहता है भाई कोई काम की बात करो जी, कोई काम है वो बताओ, करवाओ अपना काम। तो इससे बढ़िया और हमें क्या आदमी मिलेगा। बिल्कुल, हमारे बड़े भाई मीनू जी बेनीवाल का तय दिल से हम धन्यवाद करते हैं, इलाके में जो खुशहाली लेके आए हैं, जो कार्य किए हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। अच्छा नंदलाल जी, एक बात और बताओ, युवा साथी जानना चाह रहे हैं, बहुत सारे कॉल मेरे पास आ रहे हैं, क्या कल कप्तान साहब भी खुद यहाँ नजर आएंगे? कप्तान साहब तो शायद ना सके जी, वो व्यस्त होने की वजह से शायद ना सके जी, लेकिन कई हजार बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ मैराथन में भाग लेंगे जी, और इस इलाके के मौजूद आदमी यहाँ मतलब हाजिर होंगे जी। हाँ जी विनोद जी, गुसाइना के सरपंच विनोद जी भी है। हाँ जी विनोद जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? कल की जो मैराथन की दौड़ होने जा रही है जी, मेरे हिसाब से शायद कप्तान साहब को तो पता ही नहीं होगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ नाथूसरी में होने जा रहा है जी। कप्तान साहब को हमने कोई संदेश नहीं दिया है, ये हमारे जो इन गांव के युवा है, इन गांव के जो लोग है, कप्तान साहब ने जो इस एरिया के लिए जो काम करवाया है उन उसके कारण लोगों में जोश है, तो खुद लोग उनके वो सोच रहे हैं मीनू भाई साहब ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, इतने काम कर रहे हैं तो हम भी उन कुछ करें, तो उनके जन्मदिन के ऊपर, जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम रखा है, सुबह 7 बजे यहाँ मंदिर में हवन शुरू होगा, उसके बाद करीब 9:30 बजे यहाँ मैराथन दौड़ शुरू होगी, दूर दूर से युवाओं में जोश है, दूर दूर से युवा इस दौड़ में भाग लेंगे, उसके पश्चात दोपहर के बाद हर गांव में पौधारोपण होगा, हर गांव में लड़कों ने खुद केक तैयार कर रखा है, केक काटा जाएगा हर गांव में, और जैसे इस एलनाबाद की बात करें, आप कह रहे थे कि एलनाबाद की चर्चा नहीं है, एलनाबाद से जो बाहर गांव है नेठाना गांव है, नेठाना गांव में देखिए 1 करोड़ रुपए की सौगात गौशाला में भाई साहब ने दी है, उसके अलावा आज सरपंच साहब और हमें मीनू भाई साहब हमें भेज रहे हैं फेफाना गांव की जो क्रिकेट का खेल चल रहा है वहाँ खेल में हम बच्चों को सहयोग करने जा रहे हैं, नेठाना गांव के लिए क्रिकेट की किट भेजी है, इसके अलावा हम सोती गांव में क्रिकेट की किट भाई साहब ने एक दिन गए थे तो लड़कों ने किट मांग ली, किट भेजी है, तो जरूरी नहीं है कि इलाहाबाद का समाज सेवी आदमी है, कहीं से कोई आए उसके लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी कसने साहब, कसने साहब क्या कुछ कहना चाहोगे एक समाज सेवी के जन्मदिन पर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मैराथन की दौड़ जिसमें हजारों बच्चे भाग ले रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? इसमें ऐसा है भाई, मीनू बेनीवाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम एक मैराथन दौड़ का आयोजन कर रहे हैं जी,
और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें बिहार से रांची से भी हमारे दोस्त आ रहे हैं और एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी जो कि फलौदी से चल के सिर्फ मैराथन दौड़ के लिए या भाई साहब के जन्मदिन के उपलक्ष में यहाँ पहुँच रहा है जी। और बहुत से जो हमारे युवा साथी हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि भाई साहब का जन्मदिन है, बड़ी हर्षो और उल्लास से मनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। सब और क्या क्या कल रुझान जो है देखने को मिलेगा, मैराथन की दौड़ रहेगी और क्या क्या गतिविधियां होगी उसमें? सबसे पहले हम यहाँ श्री राम मंदिर नाथू श्री कला में एक हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा। और उसमें जो भाई साहब ने गौशाला में जो गए हैं जितने भी अपने एरिया की गौशाला है जी। वो जो साथी है वो बढ़ चढ़ के इसमें हवन यज्ञ में भाग ले रहे हैं। अच्छा जी। और बड़ी खुशी की बात है कि कल यहाँ एक अजूबा इस तरह का होगा कि यहाँ हजारों की संख्या में आदमी और जो नौजवान साथी है वो यहाँ इस दौड़ में शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि भाई साहब के जन्मदिन के ऊपर कल अमावस्या है, अमावस्या के दिन हवन होना है, ये भी एक खुशी की बात, बड़ी मतलब संयोग होना ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, कल कप्तान साहब के जन्मदिन पर हरियाली तीज भी मनाई जा रही है, जगह जगह वृक्ष लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? कप्तान साहब जब से हमारे इलाहाबाद में एंट्री मारी है, गौशाला खेलों में और स्वास्थ्य में उन्होंने मौज कर दी। कप्तान साहब का लक्ष्य है कि स्वस्थ भारत। स्वस्थ कब होगा? जब लड़के खेलों में भाग दें लेंगे और नशे से दूर होंगे। तो मैं कप्तान साहब के इस कार्य के लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो खेलों में लगातार भाग ले रहे हैं, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और स्वास्थ्य हर हॉस्पिटल में वो सम्मान पहुंचा रहे हैं। तो कप्तान, मैं कप्तान नहीं, मैं इनको भगवान कहूंगा। एक मिनट, मेरी उम्र 75 साल है। अच्छा। और गांव जमाद है। अच्छा। तो इस मैराथन दौड़ में मैं भी भाग लेना चाहता हूँ जी, क्योंकि मैंने 1965 में कई रेसें जीती हैं। अच्छा। इसलिए ये कप्तान साहब जो है ना, ये तो वाकई कप्तान है, तो समाज सेवी है, उनके उपलक्ष्य में हम यहाँ कल एक बड़ा भव्य स्वागत करेंगे और हम इस मैराथन भाग लेंगे। ये खेलो इंडिया जो स्लोगन दिया है ना, ये सिर्फ कागजों में नहीं है, इसको हम साकार करके दिखाएंगे, ये हमारा मेन लक्ष्य है। और सद्भावना जागेगी, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन होगा, मिलाप होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तमाम साथी सरपंच साहिबान, यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कल कप्तान साहब का जन्मदिन बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इसके लिए जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही है। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि किस तरह से आप देख रह सकते हो, सफाई अभियान यहां पर चलाया गया है। गांव नाथूश्री कला से लेकर के शक्कर मंदोरी तक ये जो रोड जो जाता है इसके दोनों तरफ सफाई अभियान चल रहा है ताकि किसी भी युवा साथी को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। शायद ये पहली बार हो रहा है कि जब किसी समाज सेवी के जन्मदिन पर इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मेरे पीछे देख सकते हो, मैं मेरे साथी को कहूंगा कि जूम करके दिखाई, देख सकते हो टेंट लग रहे हैं, टेंट भी लग रहे हैं और हजारों की तादाद यहां पर उमड़ने की आशंका जताई गई है। कल खेलो इंडिया जीतो इंडिया, कल हजारों की तादाद में इस सड़क पर हजारों युवा यहां पर दिखाई देंगे मैराथन की दौड़ में जो कि कप्तान साहब के जन्मदिन पर आयोजित की जा रही है। 10 किलोमीटर की ये दौड़ होगी, जो जीता वो सिकंदर कहलाएगा, जीतने वाले को पहला या द्वितीय तृतीय स्थान पर आने वाले को पुरस्कार दिए जाएंगे और इसके लिए जो चौथे स्थान से लेकर 50वें स्थान तक रहने वाले जो भी युवा साथी होंगे उनको भी जो है पुरस्कार दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये एक संदेश देता है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कप्तान साहब के जन्मदिन पर जो है हरियाली तीज भी मनाई जा रही है, गांव-गांव में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि चारों ओर का जो आवरण है, वातावरण है, वो जो है आकर्षित रहे, सुंदर रहे, वातावरण स्वस्थ रहे। इसके लिए जो है लगातार सोशल मीडिया पर मैं देख पा रहा हूँ कि लाखों की संख्या में जो है उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो कप्तान साहब के चाहने वाले हैं, वो जन्मदिन की बधाइयाँ भेज रहे हैं। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम समय में इतना कुछ कार्य कर दिखाना और इस क्षेत्र के लोगों के दिल में बस जाना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है और इस क्षेत्र के लिए मैं कहूँगा कि एक खुशी की लहर जो है तोड़ आई है। आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ विक्रम इंदौरा।